हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर बाटी। आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से बाटी को बनाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ पनीर लिया है, 4 चम्मच मैंने देसी घी, 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, मीठा सोडा 1 चम्मच, करी पत्ता जो मैंने बारीक कट कर लिया है, हरी मिर्च, हरी धनिया, नमक स्वाद अनुसार, मैंने लहसुन की कलियों को बारीक कट कर लिया है, कसूरी मेथी, डालेंगे नमक, बेकिंग सोडा, 2 चम्मच हम देसी घी डालेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं घी की जगह पर। हम पानी से अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं आटे का। हम हल्का सा तेल हाथ में लगा के आटे को ग्रीस कर देंगे। आटे को हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो हमने पनीर को बाउल में ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, नमक, हरी मिर्च, लहसुन बारीक कटा हुआ, कसूरी मेथी जिसे हम क्रश करके डालेंगे। इसका स्वाद बाटी में बहुत अच्छा आएगा। हरी धनिया, करी पत्ता जो हमने छोटा छोटा कट कर लिया था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है। हमने 10 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था। आज हम लिट्टी को आपे मेकर में बनाएंगे। तो हमने छोटी लोई तोड़ ली है, तो मैं बीच में इसे अच्छे से स्टफिंग को डालूंगी और मैं इसे कचौड़ी का शेप दूंगी। तो बाटी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम अपने मेकर में घी से ग्रीस कर देंगे। हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी का यूज किया है। आप चाहे तो तेल में फ्राई भी कर सकते हैं। तो हम बाटी को लगा देते हैं।
और इसे घी से ऊपर से ग्रीस कर देते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक देंगे। तो हम देख लेते हैं, तो देखिए कितनी सुंदर सी गोल्डन ब्राउन होके तैयार हो गई। अब हम इसे पलट देते हैं। अब हम 2 मिनट के लिए फिर इसे ढकेंगे। हम पलट कर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाटी रेडी हो चुकी है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे घी से ग्रीस कर देते हैं, अच्छे से घी इसमें लगाएंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती, आप भी बनाकर देखिए। तैयार हो चुकी है हमारी पनीर की बाटी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ही यम्मी। तो आप भी बनाकर देखिए, ट्राई करिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।